दोस्तों आईपीएल का 28वां मैच दो ऐसी टीमों के बीच खेला जाएगा जो अभी इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे खड़ी हैं, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने 6 में से 5 मुकाबले हार चुकी है, वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने 6 में से 4 मैच हार चुकी है। वहीं दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार कर आ रही हैं। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जीतना काफी जरूरी है। तो ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि आईपीएल के 28वें मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो हमें राजस्थान रॉयल्स की टीम में शायद ही कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि उनके पास केवल 4 ही विदेशी खिलाड़ी बचे हैं और वह इस मैच में खेलते दिखाई देंगे। ऐसे में राजस्थान की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए जॉस बटलर और यजस्वी जायसवाल उतरेंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में कप्तान संजू सैमसंग, डेविड मिलर, रियान पारग, शिवम दुबे, राहुल तेवतिया और क्रिस मॉरिस मिडल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया और जयदेव उनटकट राजस्थान रॉयल्स की प्लेन 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो पिछले मैच में जगदीश सुजीत काफी महंगे साबित हुए थे, ऐसे में उनकी जगह शहबाज नदीम को खिलाया जा सकता है। ऐसे में हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो उतरेंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में केन विलियमसन, मनीष पांडे, विजय शंकर और केदार जाधव मिडल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में राशिद खान, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा और जगदीश सुचित या शहबाज नदीम में से कोई एक खिलाड़ी 11वें नंबर पर खेलता दिखाई देगा। दोस्तों आईपीएल के 28वें मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस तरह होगी। दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों टीमों में से ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।